बिल्कुल, बैठक शुरू हो चुकी है और तमाम जो संचालन समिति के सदस्य हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जो समिति के 47 सदस्य हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, उनके साथ बैठक चल रही है। मेरे साथ कांग्रेस संचार विभाग के जो प्रमुख है सुशील आनंद शुक्ला, उनसे बातचीत करता हूँ। अभी जो ये बैठक चल रही है, बैठक कब तक चलेगी और इसमें क्या कुछ चर्चा हो सकती है? देखिए, कांग्रेस स्टेयरिंग कमेटी की बैठक है। इस बैठक का प्रमुख एजेंडा तो जो आज होने वाला आज से शुरू हुआ जो हमारा अधिवेशन है उसकी कार्य योजना है और उसके साथ सब्जेक्ट कमेटी की बैठक होने वाली है, उसके संबंध में चर्चा होगी। विभिन्न विषयों पर स्टेयरिंग कमेटी में आज चर्चा होगी। CWC के चुनाव के संदर्भ में भी चर्चा हो सकती है। और ये बैठक कब तक चलेगी? अब इसको कुछ बाहर नहीं जा सकता, सारे मुद्दों पे चर्चा होगी तो उसके पश्चात ही बैठक खत्म होगी। और इसमें तमाम जो नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं और जो समिति के सदस्य 47 सदस्य हैं ऐसा बताया? नहीं, इसमें 60 के लगभग सदस्य हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्टेयरिंग कमेटी के मेंबर, इसके अलावा जो तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के PCC चीफ को भी इसमें शामिल किया गया। और आज के सत्र के बारे में कोई जानकारी है, कौन कौन से सत्र होंगे? देखिए, आज स्टेयरिंग कमेटी की बैठक है, स्टेयरिंग कमेटी के बाद सब्जेक्ट कमेटी की बैठक है, अंदर में सब्जेक्ट कमेटी की बैठकें होंगी। सब्जेक्ट कमेटी की बैठकों के बाद में जो निर्णय लिए जाएंगे उसका फिर स्टेयरिंग कमेटी में उसमें चर्चा होगी, फिर कल अधिवेशन तो उसमें प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। वो सब्जेक्ट कमेटी की बैठक भी इसी कन्वेंशन हॉल? छह सब्जेक्ट कमेटियों की बैठक होगी, 6 अलग अलग हॉल उसके लिए बनाए गए वहाँ पे होगी। तो देखिए, जैसा बता रहे हैं सुशील आनंद शुक्ला कि अभी फिलहाल स्टेयरिंग कमेटी की बैठक चल रही है और फिर इसी कन्वेंशन हॉल में सब्जेक्ट कमेटी की भी बैठक होगी, जिसमें 6 अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं उस पर चर्चा होगी। और उसके बाद से कल जो मुख्य मंच है, जो डोम है, वहाँ पे तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज नेता जो है वो मौजूद रहेंगे। लेकिन इस बैठक के बाद, जो स्टेयरिंग कमेटी की बैठक है उसके ठीक बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी, जिसमें KC वेणुगोपाल जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय कांग्रेस के जो महासचिव हैं वो और मीडिया इंचार्ज हैं जयराम रमेश, उनके द्वारा संयुक्त रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और उसमें बताया जाएगा कि स्टेयरिंग कमेटी की बैठक में क्या कुछ निर्णय हुए हैं। और सबकी निगाहें चूंकि CWC चुनाव को लेकर के है, तो वो चुनाव क्या इसी अधिवेशन में संपन्न होगा या नहीं होगा ये भी होगी। लेकिन ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जो कन्वेंशन हॉल की तस्वीर, इसी कन्वेंशन हॉल के अंदर इस वक्त बैठक चल रही है। जो पहली जानकारी आई थी वो 47 सदस्यों की थी, लेकिन अभी सुशील आनंद शुक्ला बता रहे थे कि 60 जो है नेता मौजूद हैं, 60 सदस्य जो है कमेटी की बैठक चल रही है। मेरे साथ हमारे जो स्थानीय संपादक हैं आशीष तिवारी जी, वो भी मौजूद हैं। इस स्टेयरिंग कमेटी की बैठक में वैसे प्रमुख रूप से जो एजेंडे होंगे वो क्या हो सकते हैं? देखिए, एजेंडे तो यही है कि कांग्रेस की जो स्ट्रेटेजी होगी, जो देश भर में जिसे कांग्रेस पार्टी डिलीवर करेगी अपने कैडर के बीच, उन स्ट्रेटेजी को लेकर बातचीत होगी। बातचीत इस बात को लेकर भी होगी कि 2023 में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, स्पेसिफिक उन राज्यों के लिए क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, 2024 की चुनावी तैयारियां किस रूप में तैयार की जाएं। मोटे तौर पर यही बड़े एजेंडे होंगे और इन एजेंडों को ही कांग्रेस अपनी फिर सब्जेक्टिव कमेटी की बैठक में प्रस्ताव रखेगी और आगे उसे अधिवेशन के जरिए कैडर के बीच में डिलीवर करने की। जब स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हो रही थी उसमें शामिल होने जा रहे थे प्रमोद तिवारी, वो मीडिया से बातचीत भी कर रहे थे, उन्होंने कोई बात कही? प्रमोद तिवारी ने मोटे तौर पे देश की जो समसामयिक राजनीतिक हालात हैं उस पर बातचीत करने की कोशिश की। एक बड़ी बात, नरेंद्र मोदी पर हमला किया है, खासतौर पर अडानी के नाम का जिक्र किया है। और प्रमोद तिवारी की बातचीत में ये चीज़ देखने को मिली कि जिस तरीके से एक सांप्रदायिककरण किया जा रहा है सियासत का और देश में जिस तरीके से हालात बन रहे हैं उसे कैसे निजात मिलेगी, तो यही बात प्रमोद तिवारी करते नजर आए हैं। और कहीं ना कहीं ये संकेत हैं। प्रमोद तिवारी ये भी कह रहे थे कि स्टीयरिंग कमेटी की बैठक वैसे तो इंटरनल बैठक होती है, लेकिन आज जो बैठक हो रही है उसके एजेंडे सार्वजनिक हैं, क्योंकि देश जानता है कि देश में हालात किस तरीके से चल रहे हैं। उन्हीं हालातों को, उन्हीं तमाम समसामयिक विषयों को इस बैठक का मुख्य एजेंडा बनाया जाएगा। कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं, लगभग 43 स्टीयरिंग कमेटी के जो सदस्य हैं, ज़्यादातर लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। गांधी परिवार का फिलहाल कोई सदस्य इस बैठक में अब तक शामिल नहीं है। तो इन्हीं विषयों को लेकर रायशुमारी होगी, चर्चा होगी और सब्जेक्टिव कमेटी में की बैठक में विषय चिन्हांकित करने के बाद जो अधिवेशन है वहाँ तक बात को डिलीवर करने की कोशिश तमाम नेता करेंगे। तो स्टीयरिंग कमेटी की बैठक वो तो महत्वपूर्ण है, जिसमें कि प्रमुख एजेंडों पर बातचीत होगी। और चूंकि पूरा अधिवेशन जो है वो किस तरह से चलेगा, इसका जो है एक खाका तैयार होगा स्टीयरिंग कमेटी की बैठक के साथ। और चूंकि जो 6 सब्जेक्ट तय किए गए हैं अधिवेशन के लिए, उन 6 सब्जेक्ट पर भी चर्चा होनी है और इसी
कन्वेंशन हॉल में वो चर्चा होगी। यहीं पे आज शाम तक जो है सब्जेक्ट कमेटी की बैठक भी चलेगी, लेकिन स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में क्या निर्णय हुए हैं इसकी जानकारी देने के लिए दोपहर 2:30 बजे का वक्त तय किया गया है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए केसी वेणुगोपाल आएंगे, जयराम रमेश आएंगे, तब उनके तरफ से बताया जाएगा कि स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में क्या कुछ निर्णय हुआ है और CWC के चुनाव को लेकर के भी कोई निर्णय हुआ है या नहीं। वैभव जी, देखिए लगातार 3 दिन तक ये महाधिवेशन चलने वाला है, अधिवेशन में कई तरह के मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी, कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं, साथ ही रणनीति बनाई जाएगी, लेकिन वो रणनीतियां वो फैसले कार्यकर्ताओं तक कैसे पहुंचा जाएंगे, कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा इस पर, इसका कुछ रोड मैप तैयार किया गया अभी तक? देखिए वही सारी चीज़ें हैं कि कैसे उसका क्रियान्वयन ज़मीनी स्तर पर हो, आम लोगों तक उसकी पहुंच हो सके, उसी को लेकर के ये मंथन और चिंतन चल रहा है और उसी का खाका तैयार होगा। तो उसकी जानकारी जो है 26 फरवरी को आएगी, जब समापन होगा इस महाधिवेशन का और मल्लिकार्जुन खड़गे का भाषण होगा, तो उसमें वो सारी चीज़ें होंगी, लेकिन फिलहाल अभी तो शुरुआत हो रही है।